हेलो, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे फॉलो योर ड्रीम्स। आपके जितने भी जनरल कंपटीशन के एग्ज़ाम्स हैं, जो भी आपकी ड्रीम्स हैं कंप्लीट करने की, वो सबकी सिलेबस मैं कंप्लीट करने वाली हूँ। आपकी जितने भी 2021 में आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, SSC, रेलवे, बैंकिंग, सबकी मैं कंप्लीट करने वाली हूँ। और जो बच्चे हैं जो ऑनलाइन क्लास नहीं कर सकते हैं और साथ ही साथ और कोविड की वजह से क्लासेस नहीं जा पा रहे, कोचिंग नहीं कर पा रहे, वो सब मेरी वीडियोस देख सकते हैं और उनसे पढ़ सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी इनसे। और मैं एग्ज़ाम तक की सारी सिलेबस कंप्लीट करवाने वाली हूँ। आपके रीजनिंग हुआ, मैथ्स हुआ, इंग्लिश हुआ, सब कंप्लीट करवाने वाली हूँ। बस आप मेरे साथ बने रहिए। और आपके सिलेबस कब कितनी जल्दी कंप्लीट हो जाती है, आपको कितनी जल्दी याद हो जाती है, समझ जाते हैं, और आप एग्ज़ाम के लिए इतने अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे, तो आप बस आप मेरे साथ बने रहिए एंड फॉलो करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लोसेंट में GS हरप्पा सिविलाइजेशन। ओके, सो मैं जल्दी जल्दी स्टार्ट करती हूँ। ओके, उसका ओल्डेस्ट नेम था इंडस सिविलाइजेशन। हरप्पा सिविलाइजेशन को पहले इंडस सिविलाइजेशन बोला जाता था, बट आर्कियोलॉजिकल ने उसे हरप्पा सिविलाइजेशन बोलते थे, क्योंकि हरप्पा पहला एक डिस्कवर साइट था, ठीक है। और बट जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसे सरस्वती सिविलाइजेशन बोलना चाहिए उस टाइम, क्योंकि वहाँ पे सरस्वती सिविलाइजेशन में 80% सेटलमेंट मिला था। बट हरप्पा एक पहला साइट था जो पाया गया था, डिस्कवर साइट, सो उसको हरप्पा सिविलाइजेशन बोला गया। ओके, और जो सिविलाइजेशन था उसका एक्सेप्टेड पीरियड था वो 2500 BC to 1715 BC बाई कार्बन डेट 14 डेटिंग। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जॉन मार्शल जो स्कॉलर थे वो इंडस सिविलाइजेशन वर्ड यूज़ किए थे पहले। इंडस सिविलाइजेशन बिलोंग करता है प्रो हिस्टोरिक पीरियड से, उसको हम लोग कैथोलिथिक पीरियड या एज बोल सकते हैं, और साथ ही साथ ब्रॉन्ज एज बहुत पॉपुलरली बोला जाता है। इंडस सिविलाइजेशन फैला गया है सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न यूपी, नॉर्थ एंड महाराष्ट्र। स्कॉलर्स बिलीव कि हरप्पा और गागर और मोहनजोदारो ये तीनों जो ये प्लेसेस है, जो साइट्स हैं, वो हॉटलैंड है इंडस सिविलाइजेशन के। इन्हीं तीनों इम्पॉर्टेंट है हरप्पा से इंडस सिविलाइजेशन में, या तो हरप्पा सिविलाइजेशन। ओके, नॉर्थन मोस्ट साइट जो नॉर्थन साइड में पाया जाता था वो जिस रॉपर, सुतलज अभी के टाइम में पंजाब, मांडा विच इज जनाब अभी के टाइम में जम्मू कश्मीर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब याद रखिएगा। ओके, साउथर्न मोस्ट में, साउथ मोस्ट में इंडस सिविलाइजेशन में भागद्रव की गुजरात, धाइमाबाद में महाराष्ट्र। ईस्टर्न मोस्ट साइड्स ऑफ इंडस सिविलाइजेशन इज अल साइड ऑफ इंडस सिविलाइजेशन इज उसका गंदौर विच इज़ पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पे पाया जाता है। और जो कैपिटल टू सिटीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ द हरप्पा एंड मोहनजोदारो, पूछ सकता है, याद रखिएगा। पोर्टल सिटीज़ जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होती है वो सिटीज़ है लोथल एंड सुतकागंदौर, अलहदीनो एंड बालाकोट एंड कुंतासी। ओके, अब हम लोग 7 साइट्स पढ़ने वाले इंपॉर्टेंट इंडस सिविलाइजेशन के। ओके, इंडस सिविलाइजेशन में 7 साइट्स जो इम्पॉर्टेंट है, उनमें से 3 साइट्स है जो पाकिस्तान में पाए जाते हैं। ओके, हरप्पा, मोहनजोदारो एंड चुहुंदरो, ये 3 साइट्स, ठीक है। और हरप्पा पहला साइट है जो रवि रिवर के पास पाया गया था, और डिस्ट्रिक्ट उसका सहीवाल है, और स्टेट इज पंजाब और पाकिस्तान में पाया जाता है। और इसके डिस्कवरर थे दयाराम सहानी, DR सहानी हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं। ओके, 1921, मोहनजोदारो एंड चुहुंदरो सेम रिवर के पास पाया गया, इंडस रिवर के पास, एंड डिस्ट्रिक्ट विच इज मोहनजोदारो का लड़काना और चुहुंदरो का नवाब साहा, और दोनों का स्टेट भी सेम था सिंध, और कंट्री तो सेम है ही पाकिस्तान। मोहनजोदारो का डिस्कवर कौन था, राखलदार बैनर्जी, RD बैनर्जी, जस्ट अपोजिट हरप्पा उनके DR सहानी थे, इसका RD बैनर्जी। ओके, याद रखिएगा। चुहुंदरो भी का भी डिस्कवर कौन थे, मैकई। ओके, और ये जो 4 साइट्स है वो इंडिया में पाए जाते हैं, लोथल, कालीबंगा और बानावली अंदोलावीरा। ओके, लोथल हो गया जो बुगावा रिवर के पास पाया जाता है, और इसका डिस्ट्रिक्ट है विच इज अहमदाबाद, एंड वो लोथल स्टेट में पाया लोथल गुजरात में पाया जाता है और इंडिया में, और इसके डिस्कवरर कौन थे, SR राव। ओके, कालीबंगा विच इज़ अ गागर, एंड डिस्ट्रिक्ट विच इज़ हनुमानगढ़, एंड स्टेट इज राजस्थान इंडिया, और इसके डिस्कवरर कौन थे, आलम आनंद घोष। ओके, बानावली घाघर रिवर ये भी पाया जाता था, विच इज़ डिस्ट्रिक्ट अहमदाबाद के पास नहीं, और विच इज़ स्टेट इज़ हरियाणा और इंडिया, और RS बेस्ड डिस्कवरर थे उनके।
दिस डोलावीरा विच इज लूनी रिवर के पास पाया जाता है. डिस्ट्रिक्ट विच इज कूच एंड स्टेट गुजरात है और कंट्री इंडिया. ओके जेपी अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन ये सारे जो सेवन साइट्स जो भी साइट्स हैं इंडस सिविलाइजेशन में उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट जो सामान सब थे जो आर्कोलॉजिकल जिन्हें ये सब सामान मिला था जो चीज़ें थिंग्स वो क्या क्या मिला था ये सब साइट में क्या क्या पाया गया था ये सब साइट्स में तो वो सब हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम लोग को पूछ सकता है एग्जाम में. हरप्पा में सिक्स ग्रेनीज एंड रॉम मिला था एंड वर्किंग फ्लोर्स देखने को मिला था. साथ ही साथ स्टोन एक सिंबल मिला था जिसमें ऑफ लिंगम जहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन और यूनि फीमेल सेक्स ऑर्गन को डिनोट करा था. क्ले फीचर मिला था मदर गॉडनेस का. ओके एंड वीट एंड बार्ले का इन वुडन मॉर्टर भी मिला था कि यहाँ पे कल्टिवेशन भी देखने को मिला था वीट एंड बार्ले का. हम लोग बोल सकते हैं हरप्पा में कोई ये इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा. मोहनजोदड़ो में ग्रेट ग्रैनरी ठीक है खाने का बहुत बड़ा भंडार मिला था. ग्रेट बात ओके ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. साथ ही साथ पशुपति महादेव का जो मूर्ति मिला था उनके इमेज ब्रिड मैन ओके साथ ही साथ ह्यूमन का स्केलेटन भी पाया गया था. साथ ही साथ क्ले फीचर ऑफ मदर गॉडेस यहाँ पे भी पाया गया था. साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं मेसोपोटामियन सिल्स भी मिला था. ओके चुहुंद्रों में ज़्यादातर मेकअप का सामान जो एसेसरीज हो गए ज्वेलरीज हो गए वो सब मिलते थे तो हम लोग इसमें बोल सकते हैं. इंक पॉटो का लिपस्टिक हो गया मेटल वर्कर्स हो गया सेल ऑर्नामेंट मेकर्स बीट मेकर्स ओके और इसमें यहाँ पे साथ साथ ये चुहुंद्रो एक ऐसा साइट है जो सीता डेल उसमें प्रेजेंट नहीं थे. ओके लोथल में डॉकियर पाया गया राइस हस्क राइस की भुस्सी पाया गया. इसमें भी सेल ऑर्नामेंट्स मेकर एंड बीड मेकर्स मिला गया और साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट है डबल ब्यूरियल ठीक है. इसमें साथ साथ मेल एंड फीमेल्स को साथ में दफनाया गया था ये भी मिला था तो बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा. और कालीबंगा में बहुत डेकोरेटेड ब्रिक्स मिले थे ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और साथ ही साथ प्लाउड फील्ड सरफेस भी मिला गया गिरपुर सो बस कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है. बानावली में लैक ऑफ चेस बोर्ड चेस ग्रेडियंट पैटर्न्स ऑफ टाउन प्लानिंग लैक ऑफ टाउन प्लानिंग पैटर्न्स लैक ऑफ सिस्टमैटिक ड्रेनेज सिस्टम बानावली में बहुत ज़्यादा लैक था टाउन प्लानिंग का ड्रेनेज सिस्टम का कुछ भी अच्छा नहीं था. बट डोलावीरा विच इज़ बहुत मॉडर्न टाइप का एक साइट पाया गया जहाँ पर बहुत अच्छा ड्रेनेज सिस्टम भी था. साथ ही साथ आपको इसमें आपको मिल सकता है ग्रेट जाइंट वाटर रिजर्वायर्स एंड वर्ल्ड और यहाँ पे जो साइट थे वो तीन पार्ट में डिवाइडेड थे. बहुत बड़ा ये साइट था. ओके लार्जेस्ट हरप्पा इंस्क्रिप्शंस यूज्ड फॉर ए सिविक पर्पस ओके और सुरको टोडा में पाया गया था बोन्स ऑफ हॉर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके ये और दहिमाबाद में ब्रॉन्ज इमेजेस ऑफ एनिमल्स लाइक हॉग्स एलिफेंट एंड डायनासोर ओके एंड देयर इज सम फीचर्स ऑफ साइट्स. ओके हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं. मोहनजोदड़ो एक जो एक सबसे बड़ा साइट था इंडस सिविलाइजेशन का. ओके बट राखीगढ़ एक ऐसा लार्जेस्ट साइट है जो पाया जाता है इंडिया में क्योंकि मोहनजोदड़ो हम लोगों ने पढ़ा था कि ये पाकिस्तान में पाया जाता है. ओके अभी के टाइम में और बट इंडिया में कौन सा इंडस सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा साइट पाया जाता है विच इज़ राखीगढ़ पूछ सकते हैं एग्जाम में बिल्कुल याद रखिएगा. और ये बहुत ज़्यादा ये तीन चार फीचर्स थे बहुत इंपॉर्टेंट है विच इज़ सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग मिला था ग्रिड सिस्टम का और यूज ए ब्रंट ब्रिक्स पक्की ईटा जो मिला था यूज़ किया. ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत अच्छा था धोलावीरा में हमने देखा था बहुत अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था टाउन प्लानिंग भी एंड पॉर्टिफाइड सिटाडल्स और एक जगह नहीं मिला था सिटाडल विच इज़ चुहुंद्रो. मैंने यहाँ बताया था सिटी विदाउट सिटाडल विच इज़ चुहुंद्रो के एक्सेप्टेशन है सब में पाया जाता है सिटाडल. ओके तो ये ज़रूर याद रखिएगा. और सुरका टोडा भी मैंने बताया था बोन्स ऑफ हॉर्स पाया गया था घोड़े की हड्डी. ओके ओके अब हम लोग मेन चीज़ पढ़ने जा रहे हैं इंडस सिविलाइजेशन के क्रॉप्स क्या कौन से एनिमल्स उसमें पाए जाते थे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्या था. ओके और भी बहुत सारी चीज़ें सो हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं ठीक है. हमने वीट एंड बार्ली का हम लोगों ने देखा था कल्टिवेशन इन विच इज़ इन हरप्पा. ओके एंड लोथल में भी राइस की भुस्सी मिली थी राइस की कल्टिवेशन होती थी इसका एक साइन मिला था. ओके
और भी बहुत सारे क्रॉप्स का होता था, बट ये इम्पॉर्टेंट है. और एक और भी है, इंडस पीपल फर्स्ट थे जो प्रोड्यूस किए थे कॉटन इन ए वर्ल्ड. ओके, और एनिमल्स तो सारे एनिमल्स पाए जाते थे, बट एक एनिमल्स था जो इंडस पीपल अभी तक जानते नहीं थे, विच इज द लायन. ओके, याद रखिएगा, पूछ सकता है. और इम्पोर्ट इन क्या होते थे, क्या क्या चीज़ हम लोग बाहर से लाते थे, वो जैसे गोल्ड हम लोग लाते थे कोलहर से, अफगानिस्तान से एंड पर्शिया. सिल्वर इज अफगानिस्तान और पर्शिया से लाया जाता था. कॉपर खेतरी एंड बलूचिस्तान और टीन बिहार. इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा अफगानिस्तान से भी. और स्टेटाइट विच इज द शेहर आई सुखौता एंड खितार हिल्स विच इज पाकिस्तान एंड ईरान हम लोग बोल सकते हो. ओके, इन शॉर्ट ये सब इम्पॉर्टेंट और भी हैं, आप देख सकते हैं, बट ये सब इम्पॉर्टेंट जो आपको मेनली पूछ सकता है, तो आप याद रखिएगा. और इम्पोर्ट्स हम लोग इंडस सिविलाइजेशन में जो भी साइट्स हैं वहाँ से क्या एक्सपोर्ट होता था बाहर, विच इज़ एग्रीकल जो भी कॉटन के गुड्स है, क्योंकि हम लोगों ने देखा इंडस पीपल पहले थे जो कॉटन प्रोड्यूस किए थे, तो कॉटन के सामान सब बाहर जाते थे, एग्रीकल्चर होता था, तो उसके जो प्रोडक्ट्स होते थे वो सब जाते थे बाहर. ठीक है, और भी जो ज्वेलरी बनती थी जो सर्टेन बीड्स विच इज जो हुंदरों में हम लोगों ने देखा था जो पाया गया था, वो सब चीज़ बाहर एक्सपोर्ट होती थी. बट हम लोगों ने देखा जो भी ये गोल्ड सिल्वर सब टीन पाया गया, बट जो इंडस पीपल एक चीज़ से नहीं थे ये नोन, विच इज़ आयरन. आयरन वॉज अ नोट नोन टू द इंडस पीपल. ओके, और जो अफगानिस्तान में इंडस साइट्स कुछ कुछ पाया गया था, विच इज़ इम्पॉर्टेंट, सतुगाही एंड मुंदीगा. ओके, ये याद रखिएगा. और कॉटन प्रोड्यूस किया था हम लोगों ने देखा हरप्पा में. ओके, सबसे पहले सो इट इज कॉल्ड एज सिंडन ग्रीक लैंग्वेज में. सो देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ गोल्ड बाय, हम जैसे हम लोग पैसे का लेन देन करते हैं या कोई चीज़ खरीदते हैं, तो वैसा कुछ नहीं था यहाँ पे. नो एविडेंस ऑफ कॉइन्स. ओके, और लोथल सबसे पुराना इंडस सिविलाइजेशन का साइट पाया गया था. द पॉइंट्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोगों ने देखा था मदर गॉडनेस पाया गया था, विच इज़ इन हरप्पा एंड चुहुंद्रों में भी हम पाया गया था. ओके, मोहनजोदड़ो में भी पाया था. ठीक है, विच इज़ द मदर गॉडनेस, मतलब इससे पता चलता था कि हम यहाँ पे देवी की भी पूजा होती है, फीमेल सेक्स ऑर्गन, उसमें एक एविडेंस था यूनी का. ओके ओके, और यहाँ पे एक मेल देवता का भी पूजा होता था, पशुपति महादेव, विच इज़ द लॉर्ड ऑफ एनिमल्स उनको बोला जाता था. ओके, वो इंडिकेट होता था वहाँ पे चार एनिमल्स उनके चारों तरफ थे, विच इज़ एलिफेंट टाइगर एंड राइनो एंड बफेलो. ओके, और उनके पैरों पे दो डियर प्रेजेंट थे. ठीक है, बैठे हुए. सो ये इससे पता चलता था कि वो लोग देवी या देवता का पूजा करते थे, शिव एंड शक्ति वर्शिप. ओके, सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप इन इंडिया. ओके, और हम लोग को साथ ही साथ एक और चीज़ याद रखना है, यहाँ पे एविडेंस मिला था पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट का. ठीक है, फाउंड ऑन सिल्स. ठीक है, ये याद रखना है. और साथ ही साथ हम लोग को स्टेटाइट तो मैन्युफैक्चर होता था वहाँ से, विच इज़ मैन्युफैक्चर सील्स बनाने में स्टेटाइट का यूज़ होता था. और हमलेस बुल्स भी रिप्रेजेंटेड करते थे इंडस सील्स. और यहाँ पे स्वास्तिका जो हम लोग का अभी जो हम लोग पूजा पाठ में स्वास्तिका का यूज़ करते सिंबल का, वो ये ओरिजिन हुआ था इंडस सिविलाइजेशन में. ठीक है, देखा गया था ये ओरिजिन हुआ था. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो याद रखिएगा. ठीक है, दैट्स ऑल द हरप्पा सिविलाइजेशन. तो इन नेक्स्ट वीडियो में मैं वैदिक कल्चर पर पढ़ाऊंगी, हरप्पा सिविलाइजेशन यहीं पे ख़त्म होता है. और साथ ही में मैं कल एक छोटा सा ब्रीफ दे दूंगी हरप्पा सिविलाइजेशन का, इन शॉर्ट में, कि जो आपको एक रिवीजन हो जाए. साथ में कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगी जो इंपॉर्टेंट है हरप्पा सिविलाइजेशन का, जो कॉम्पिटिशन से पूछता है. ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू.